हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं खूबसूरत सा डहेलिया का फ्लावरिंग प्लांट। ये विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसकी कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है और बहुत आसान तरीके से इसके प्लांट आप बना सकते हैं घर पर ही। जब आप इसका पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं तभी आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, फिर आपको मार्च अप्रैल तक इसके फ्लावर अपनी कटिंग में देखने को मिल जाएंगे। क्या मेथड होता है इसकी कटिंग को ग्रो करने का, वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जान लेते हैं कि डहेलिया के प्लांट की कटिंग हमें कहाँ से लेनी है जिससे कि कटिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाए। हमें इस तरह की कटिंग लेनी है कि हमारी कटिंग अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए जब हम इसको लगाएं। मैं कटिंग सैंड में लगाऊंगी। इस तरह की कटिंग आप ले सकते हैं जहां से आपके प्लांट में नई नई ब्रांच निकल रही हो, उन ब्रांच को आप कट करके और एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी कटिंग लगाई जाती है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ये मेरी ट्रे है, इसमें मैं कटिंग ग्रो करती हूँ। सैंड मैंने इसमें रखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने इसमें कोकोपीट भी मिक्स किया हुआ है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। सैंड में भी इजीली इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैंने गुलदाउदी की कटिंग भी इसमें ग्रो की हुई है, वो भी ग्रो हो गई है। मेरे चैनल पर उसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह की कटिंग आप ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसमें ये ब्रांच निकली हुई है नीचे की साइड से, तो मैंने इसको कट कर लिया है। और जो नीचे के पत्ते आए हुए हैं उनको हमें हटा देना है इस पे से, उनको नहीं रहने देना है। अगर आप इनको नहीं हटाओगे तो ये वैसे भी गल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक हिस्सा हमें इस कटिंग का अपनी सैंड में दबाना है। 1 या 1.5 इंच तक आप इसको दबा दीजिए मिट्टी में, या फिर आप जिस सॉइल में भी अपने कटिंग को लगा रहे हो, रेत में अगर आप लगा रहे हो तो इस तरह से दबा के आपको लगा देना है अपनी कटिंग को। और बहुत ही इजीली इसमें 15 से 20 दिनों में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको नए पौधे मिल जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसी ब्रांच लेनी है जो न्यू ग्रोथ निकल रही हो, इस तरह की ब्रांच लेनी है। वो बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, इस तरह की आपको कटिंग ले लेनी है और लगा देनी है। और भी बहुत सारी ब्रांच मेरे प्लांट पर आई हुई हैं ऊपर की साइड में, लेकिन अभी उनमें जो है फ्लावर खिलने वाले हैं, उनमें फ्लावर के बर्ड आए हुए हैं, तो मैं उनको कट नहीं करूँगी, नहीं तो वो ड्रॉप हो जाएंगे। और ये दूसरा पौधा है मेरा, इस पे छोटे फ्लावर आते हैं। दो तरह की वैरायटी मिलती है हमें डहेलिया में। एक तो बड़ा पौधा आता है जो मैंने पहले दिखाया आपको, और एक ये छोटा वाला पौधा आता है। ये 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे नर्सरी पर, इजीली आपको मिल जाते हैं। 30-30 रुपीज़ के प्लांट है मेरे। दो प्लांट मैंने नर्सरी से बाय किए थे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है मेरे प्लांट की। जितने भी मेरे पास प्लांट है, एक कटिंग में इस वाले प्लांट की लगाऊंगी। इस पे छोटे फ्लावर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावर इसमें आने वाले हैं। अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद इसमें भी फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। देखिए, इस तरह से छोटी छोटी कटिंग ही मैं लगा रही हूँ, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी ब्रांच है उनको ग्रो होने में ज़्यादा समय लगता है, छोटी कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। इस तरह से हमें कटिंग लगा देनी है। और इस ब्रांच को भी अगर मैं चाहूँ तो कट करके लगा सकती हूँ। और इस तरह की जो नोड पे से ब्रांच निकली होती है, ये देखिए जगह जगह से इस तरह से, और ये वाली ब्रांच जो निकली हुई है इसको भी हम एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऊपर की साइड बर्ड बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसको अभी कट नहीं करूंगी यहाँ से। तो इसी तरह की हमें कटिंग ले लेनी है जिन पे अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उनको लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फ्लावर वाली जिन पे बर्ड बने हुए हैं फ्लावर के, वो कटिंग भी आप ले सकते हो, लेकिन उनमें थोड़ा समय लग जाता है रूट बनने में। तो उम्मीद है आपको आज समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें डहेलिया की कटिंग को ग्रो करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।